शुरू करते हैं इस कॉन्विजिनियस क्विज का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज में दो भुजाओं के स्पर्श बिंदु को रिक्त स्थान कहा जाता है। यहाँ परिभाषा बतानी है जो दे रखी है, जिसका जो आंसर है वो हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड शीर्ष। एक बहुभुज में दो भुजाओं के स्पर्श बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ शेप्स दे रखे हैं जिनसे रिलेट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में बहुभुज की पहचान कीजिए। तो दो से ज़्यादा जो भुजाएं होती है वो बहुभुज में कहलाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट पिक्चर है वह क्या होगी? बहुभुज की पहचान होगी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य या असत्य बताइए। बहुभुज की भुजाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यह सत्य है या असत्य है? तो बहुभुज की, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये बहुभुज है फर्स्ट, तो यहाँ एक दूसरे से भुजाएं नहीं काटती है, तो ये सही है। तो ये करेक्ट हो जाएगा सत्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग एक सरल बंद आकृति है जो रिक्त स्थान से मिलकर बनी होती है। तो वर्ग कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? चार भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ चार रेखाओं का आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चार रेखाओं से मिलकर बनी होती है, वर्ग एक सरल बंद आकृति है जो चार रेखाओं से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभुज के ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं है को जोड़ने वाले रेखाखंड को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बहुभुज के ऐसे शीर्ष जो आसन नहीं है को जोड़ने वाले को, रेखाखंड को, विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, विकर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोई कौन एक बहुभुज नहीं है। तो यहाँ कुछ शेप्स के नाम दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन बहुभुज नहीं है। तो त्रिभुज एक बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है, पंचभुज भी बहुभुज होता है, लेकिन वृत्त क्या होता है? राउंड शेप में होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन बहुभुज नहीं है? वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक शेप दे रखी है, दिए गए बहुभुज में भुजाएं हैं। तो यहाँ भुजाएं बतानी है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पांच भुजाएं दे रखी है। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे इस कॉन्विजिनियस क्विज के क्वेश्चंस। हम इसी तरह से अन्य क्विज के आंसर भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।